उम्मीद है कि आप भी अपना काम मानेंगे, शांति के साथ कुछ गलत नहीं करेंगे आप। सुरभी जी, शांति के साथ बुरा ना तो मैं पहले करना चाहता था और ना ही आगे कभी करूंगा। एक बार मेहर और कार्तिक की शादी हो जाए उसके बाद शांति जो भी चाहती है सब मिल जाएगा। इस घर में मेरी पत्नी होने का हक, शौहरत, सब कुछ। मगर पहले शादी तो हो जाने दीजिए। कार्तिक, जा रही हूं। कार्तिक, कार्तिक को छोड़ने आई थी ना यहाँ। तुम्हारा काम अब खत्म, अब कार्तिक को तुम्हारी जरूरत नहीं है। कार्तिक का ख्याल अब मैं रखूंगी और तुमसे बेहतर। कमला ताई जी, बेबी जल्दी से मेरे कार्तिक का बैग गेस्ट रूम में रखवा दो। कार्तिक, बस आज रात तुम्हें गेस्ट रूम में रहना होगा। कल शादी के बाद तुम्हें अपने बेडरूम में शिफ्ट करवा दूंगी और फिर हम दोनों हमेशा साथ में रहेंगे। चलो। एक बात बोलूं क्या? आप ना मेरी बात मानो, ये सूरभी के दिमाग में जरूर कुछ चल रहा है। सच्ची बोल रही है, मैं उसको बहुत अच्छी तरह से जानती है। इतनी आसानी से वो कार्तिक को इधर छोड़कर चली गई, ऐसा हो नहीं सकता है। कुछ गड़बड़ जरूर है साहिब, मेरे को तो आखी दाल काली लग रही है। तुम्हारे सीने में दिल होता ना भाई, तभी समझ पाती तुम कार्तिक की भावना है। तो जो भी कर रहा अपनी बहन की खातिर कर रहा है, खैर तुम नहीं समझोगे। अब जाओ, जाकर ये सामान गेस्ट रूम में जाकर रखो और इस घर में अपने काम से मतलब रखो, यही तुम्हारी सेहत के लिए बेहतर रहेगा। साहब, सुरभि जी आपको बाहर बुला रही है। बाहर? अब क्या बात करनी है? तेरे को तेरे एक्स नवरे ने बुलाया है, मान जा तेरा पुराना पति कुछ बात करना चाहता है इसके साथ। पर क्यों? मेरे को क्या मालूम बेबी, मान जा अब जब बताएगा आपका होने वाला, वो भी अगर हुआ तो। चल। हाँ हाँ सुरभि, ऐसा करो जल्दी जाओ, तुमसे आखिरी बार मिलना चाहता होगा। पर हाँ, ज्यादा वक्त मत लेना, शादी का मुहूर्त निकलता जा रहा है। और एक और बात, अगर तुम्हारा कोई रोने धोने का प्लान है ना, तो उसे कैंसिल कर दो। मैं अपने कार्तिक की आंखों में आंसू नहीं देख सकती हूँ। और अगर रोएगा तो उसकी तो आंखें सूज जाएंगी, शादी की सारी पिक्चर स्पॉइल हो जाएंगी। शादी तो एक ही बार होती है ना। सुरभि जी, जो भी बात करनी है जल्दी कीजिए, मुहूर्त हो चला है और शुभ मुहूर्त में ही मैं अपनी बहन की शादी करवाना चाहता हूँ। सुरभि, ये मुझसे नहीं होगा। कार्तिक, पर आप पूरी रात सो नहीं पाया और सोचता रहा उसी के बारे में जो तुमने मुझसे कहा।
मैं आज इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि जो करने की उम्मीद करते ना तुम मुझसे, वो मुझसे नहीं होगा। सुरभि, मैं ये शादी नहीं कर सकता। मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता सुरभि। कार्तिक प्लीज, आप मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। आपको ये करना ही होगा। नहीं सुरभि, नहीं, मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता। तुम समझ क्यों नहीं रही? कार्तिक, बात मेरी और आपकी नहीं है, बात शांति की है, शांति की जिंदगी की है। कार्तिक, कार्तिक आपको शांति का वास्ता, हमारी शांति, आपकी छोटी बहन, आपके दिल का टुकड़ा मिस्टर खन्ना के कब्जे में। कार्तिक, अगर आपने शादी नहीं की ना तो पता नहीं शांति के साथ क्या होगा। सुरभि, तो तुम्हें नहीं लगता कि मैं अपनी बहन को बचा सकता हूं? तुम्हें अपने पति पे इतना एतबार नहीं, राइट? मेहर से मेरी शादी करवाना चाहती हो? मैं मेहर से शादी करूंगा, पर एक शर्त पर। तुम्हें इस मंडप पे खड़ा रहना होगा, देखनी होगी मेरी शादी होते हुए। जिन आंखों में कभी मेरे लिए सिर्फ प्यार और दुआएं थी, वही आंखें इतनी पत्थर आ गई है कि किसी और की मांग में सिंदूर भरता हुआ देख पाएंगी या नहीं। मैं यह देखना चाहता हूं कि तुम मुझे पहला फेरा शुरू होने से पहले रोकोगी या सातवा फेरा खत्म होने से पहले। मैं तुम्हें जानता हूं सुरभि, तुम मुझे किसी और के साथ नहीं देख पाओगे। गठबंधन के लिए खड़े हो जाए। गठबंधन कौन कर रहे हो? आगे आइए। हेलो डॉक्टर खुराना, मैं रणबीर खन्ना बोल रहा हूँ। आप प्लीज मेरे घर आ जाइए जल्दी से, मुझे एक छोटा सा प्रेगनेंसी टेस्ट करवाना है किसी का। सुरभि जी, जाइए डॉक्टर के साथ, ये डॉक्टर आपका चेकअप करेंगे। खुल जाएगी तो सारी प्लानिंग चौपट हो जाएगी।